ये अटारी स्टेशन। तो ये भाई टोटल 7-8 पीढ़ी बता रहे हैं। तो अभी जा रहे हैं हम म्यूजियम देखने के लिए। सो फाइनली यार अंदर कंटीन में पक्का मिल गया, बैठने के लिए भी मिल गया। अब थोड़ी सी रेस्ट हो रही है, हवा मिल रही है, गर्मी कम हो रही है। 4 बजे एंट्री होगी, वेट कर रहे हैं यहाँ पे। छोटा ले गए वो आपके पास है पापा के। अब ये झंडा लगा दिया आपने पहले ही, आपको पता नहीं है कि अंदर जाने को अभी है नहीं, आपने पहले झंडा लगा दिया। अब हम ऐसे फेस लेके अंबरसर जाएंगे यार। कोई बात नहीं, आपकी आपका तो कुछ नहीं होता ना। यही सारा कुछ पता चल। थैंक यू भाई। तो गाइस अभी जाएंगे अटारी स्टेशन, वहाँ पे म्यूजियम वगैरह है। अभी यहाँ 2.5 घंटे वेट करनी पड़ेगी, नहीं तो जब तक हम अटारी स्टेशन और वहाँ म्यूजियम घूम लेते हैं। और रास्ते में मैंने शॉप देखेगी कुलचे वालों की, वो कुलचे वगैरह भी खा लेंगे। हमारा टाइम पास हो जाएगा, अमृतसर जाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा यार। भाई दर्शन हो गए, देखा यहीं मिल गया गुरु ग्रंथ साहिब। अमृतसर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वहाँ यहीं मिल गया गुरु ग्रंथ साहिब। अटारी स्टेशन भाई, अटारी स्टेशन सीधा सामने सामने आ गया भाई अटारी। ओ हो 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 वाह वाह भाई, ओए होए लगा दे भाई। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ और ये स्टेशन देख के लगता है ये कभी बदला ही नहीं, ऐसा ही है जैसा था, कभी इस पर बदलाव आया ही नहीं। ये 1947 से पहले वाला जो स्टेशन है वैसा ही लग रहा है। आज हम भी देख लें। और अगर आप पीछे जाएं 47 में जाएं तो यहाँ उस टाइम पे क्या माहौल रहा होगा यार। ये बंद पड़ा है। सो फाइनली गाइस हमने अटारी स्टेशन भी देख लिया यार। और मैं सोच रहा हूँ उस टाइम पे जब मेरे दादाजी ने स्टोरी बताई थी कि हम यहाँ से आए थे उन दिनों में पाकिस्तान से, तो क्या माहौल रहा होगा ना। ये सीधा पाकिस्तान को जाता रास्ता, ये अटारी स्टेशन। और ये भाई सुनसान है, सुन और हमारे जो परदादा जी थे उन्होंने अटारी स्टेशन से ही, उनकी तबीयत बिगड़ती लुधियाना स्टेशन जाके वो फिर उनकी डेथ हो गई थी, तो जो मुझे बताया। वाह गदर मूवी तो गदर मूवी में जो सीन दिखाया वो अटारी स्टेशन भी दिखाया होगा एक बार उन्होंने। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलते हैं अभी यहाँ भाई, इतने म्यूजियम भी है, कहते म्यूजियम भी इतने गुरुद्वारा, पता नहीं कह रहे थे म्यूजियम उच्च, पूछते हैं बाहर किसी ने। अटारी भाई स्टेशन, अटारी। तो गाइस अटारी स्टेशन से निकलने के बाद लोकल लोगों ने बताया कि यहाँ पे अटारी जिनके नाम का स्टेशन है, अटारी जिनके नाम से ये एरिया है, उनकी समाधि बनी हुई है, म्यूजियम कह देते हैं उसको एक तरह का, वो देखने चलते हैं, आपको वो दिखाते हैं आज। 2.5 घंटे ऐसे बीत जाएंगे हमारे, चल। तो आपको अटारी मार्केट दिखा रहा हूँ सारी। ओए इधर पीछे मुन्ना जी शायद कि सीधा शिवाला, जय भोले बाबा।
ब्याह शादी हो रही है। आ बनी से माता बहुत पुराना है, तहसील अटारी जिला अमृतसर बहुत पुराना है भी। ये कुछ बनया वाह चल आया चलिए माता बनी है आए जिनके नाम से ये मशहूर है अटारी उनकी यादगार आ गई खोल देने खोल देने तो सामने अटारी खुला आया आह सत श्री अकाल जी वाह भाई वाह ओरे पास बनया है कुछ खूह खूह नहीं है कोई सरोवर है बाइक नु लॉक करता। तो गाइस ये है अटारी यादगार जिन्हों के अटारी नाम है उनका वंशज सारा यहीं पर है। ये समाध बनी हुई है कभी बड़ों की कभी छोटों की समाध लाइक जिनको हम वो हैं मड़ियाँ कहने हैं ऐसी मड़ियाँ मड़ा रिमूव शूज गोइंग अपस्टेयर्स ओके शूज उतारो। तो गाइस ये है खूह तो गाइस ये काफ़ी गहरा है बहुत गहरा लग रहा है और ईंटें ये देखो सामने ईंटें बहुत पुरानी हैं ये बहुत पुराना खूह लग रहा है ये तो समाध जरनैल सरदार शाम सिंह जी शहीद ये उनकी समाध है समाध जरनैल सरदार शाम सिंह जी ये बड़ी समाध कह रहे हैं तो निशान साहेब हाँ जी तो ये भाई टोटल 7-8 पीढ़ी बता रहे हैं तो अभी जा रहे हैं हम म्यूज़ियम म्यूज़ियम देखने के लिए तो चलो वहाँ पे भी शूज़ उतारने पड़ेंगे शायद ठीक है जी। ये देखो गाइस ये टैंक बाबा ये असली था क्या डम्मी है असली टैंक है 1818 का 2018 बाई टैंक विजय टैंक मोह म्यूजियम पार्थ ने हेलमेट ही डाला हुआ ताला ताला बस यू ऑल बेल शाम सिंह अटारी वाल जी ते अटारी नाम इन्ना तो पया जी है ना ये सभी नए लोग हैं ना आजा कर एक जी शाम सुबह ये शहीदी जो है ओके ये तो नए हैं सारे है अपना स्वयंबर जी सरदार शाम सिंह अटारी वाल जी का स्वयंबर वाह ठीक है जी दरबार साहब ठीक ते इन्ना दे वंशज सारे किधर ने मारे जी को बाहर बाहर चले गए डॉटर ऑफ जनरल सरदार शाम सिंह टारीवाल 1837 में ब्याह होया इन्ना ठीक है 7 मार्च 15 लाख लगे जी उस टाइम ठीक ते हर एक नु एक मौत थे जी इन्ना नाल ब्याह होया ए कुलवर नाव निहाल सिंह जी किन्ना दा शाम सिंह
इन्होंने पंजाब का विरसा सांभिया नहीं तो उजड़ जाना पंजाब आ लड़ाई का गुरु किसान कि लड़ाई है 54 की 48 की 1846 की 46 लड़ाई बाकी तो जी बहुत वधिया हूँ थैंक यू धन्यवाद थोड़ा सारा ये कि जी सारी वाला जी ठीक है ते बाकी ये ऑफिस है गाइस और ये मैं तो देख रहा हूँ बता क्या पाऊँ आपको बता ही नहीं सकता बहुत कुछ है देखो अंदर प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे आए हुए हैं जो लोग जो अभी गए नरेंद्र मोदी जी उसके बाद तो नहीं आए जब प्रधानमंत्री बने जब सीएम थे तब आए थे तो गाइस अटारी आपको सारा दिखा दिया अटारी की मार्केट दिखा दी अटारी का स्टेशन दिखा दिया अटारी का म्यूज़ियम दिखा दिया और जो इनकी पीढ़ियाँ हैं जो यहाँ पे जिनकी समाधि बनी हुई है वो दिखा दी 50,000 जंज बीबी नानकी का ब्याह इतना होया है ओके तो एक बार सारा दिखा दिया भाई आपको सरोवर है ही नहीं चल मैं इधर ही आना यार मैं इधर ही चलना तो गाइस सरोवर दिखा रहे हैं यहाँ पे 50,000 लोगों की वो बारात आई थी मतलब कि यहाँ पे बीबी नानकी बोल रहे हैं उनकी जो अटारी साहब जी की डॉटर थी लेट श्री अटारी यहाँ पे मतलब कि बारात आई थी 50,000 लोगों की बारात यहाँ पे तो मज़ा आ गया यार देखकर मज़ा आ गया तो गाइस कैसा लगा आपको अटारी का ब्लॉग होप आपको पसंद आया हो हमारा ये दिखाया हुआ सब और जिन्होंने पहले देखा हो उनको तो पता ही होगा यहाँ का और जिन्होंने नहीं देखा उनको दिखा दिया और पसंद आया तो लाइक करें अब जा रहे हैं बाघा बॉर्डर यहाँ अटारी में कुछ खा पी कर फिर जाएंगे बाघा बॉर्डर बाइक पार करके अंदर बैठ जाएंगे अंदर बैठना पड़ेगा भाई और कहीं जा ही नहीं सकते गाइस ये भी दिखा दें आपको स्लो कर ये एक दिखानी थी आ कर स्लो बंद कर बहुत पुरानी है भाई ये सामने मुझे पुराना कुछ नज़र आ रहा है एक्सिस बैंक तहसील जिला तहसील जिला अमृतसर पर चाह मिल जानी अंदर तो ये कुछ था यहाँ पे जो भी बंद है मेरे ख्याल से अब इसको वो बना दिया सेवा केंद्र बना दिया ये बिल्डिंग वो पुरानी लग रही है यहाँ पे तो ये दिखाना था मैंने आपको पहले ये गेट बंद था अब ओपन हो गया मतलब कि अभी भी पंजाब की कुछ कुछ ऐसी इमारतें हैं जो बची हुई हैं चल भाई पढ़ दो तो कुछ ढाबा है वो कुलचा कुलचा चल चल अमृतसर कुलचा सो फाइनली मिल गया भाई अमृतसरी कुलचा मिल गया हमें और बब्बू मां की फोटो लगे टेस्टी हुई होना सत श्री अकाल जी बनाया जी कुलचे शुगर है मैं लगे मैं अमृतसर जाना पैना कुलचा खान धन्यवाद थोड़ा वाह वाह तो गाइस फाइनली ब्रेकफास्ट अब होगा यहाँ पे अटारी मार्केट पे और अमृतसरी कुलचा बोल दिया मैंने ऑर्डर दे दिया यहाँ पे खा लेते हैं बहुत टाइम पड़ा हमारे पास फिर यहाँ खाने के बाद बाघा बॉर्डर मिलेंगे अंकल कैसे बना रहे हैं कितने प्लेट है अंकल 30 रुपये 40
30 रुपए 40 रुपए 30 में एक 40 में भी एक 30 में दूसरा मक्खन है तो 40 में अमूल का मक्खन। अच्छा मक्खन मक्खन का चेंज है। हाँ। अमूल का मक्खन चाहिए। चलो भाई अब तंदूर रेडी। तंदूर के बीच में जाएंगे कुलचे। इसको हम नान भी बोल सकते हैं। हाँ जी नान हिंदी में नान बोली जाते हैं। अच्छा पंजाबी में कुलचा। अच्छा पंजाबी में कुलचा हिंदी में नान। तो गाइस लग गए 3 नान और कुलचे। थैंक यू भाजी। की नाम जी थोड़ा? मेरा नाम सतनाम सिंह। सतनाम सिंह जी किन्ने साल तो इतने? देखो जी 10 साल। 10 ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਸ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੀ ਢਾਬਾ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਢਾਬਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੁਲਚਾ ਦੇ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਅਬ ਟੇਸਟ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਤੇ ਹੈਂ। ਯਹਾਂ ਅਟਾਰੀ ਅਟਾਰੀ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਕੁਲਚਾ ਰੈਡੀ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਕ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਆਇਆ ਥਾ। तो गाइस मैं जहाँ पे पानी की बोतल और कोक लेने गया था वहाँ के एक अंकल थे, उन्होंने मुझे बताया कि बाघा बॉर्डर है तो अभी टाइम नहीं है जाने का, शाम का टाइम है वहाँ जाने का, तो इससे अच्छा आप पुल कंजरी नाम का कोई गांव है वहाँ जाएंगे। हैगा ही कोई पुल कंजरी? मतलब कि एक तलाह है। अच्छा जी जीरो लाइन के ऊपर है। जीरो लाइन होते हैं। हाँ ठीक। तो गाइस मतलब कि हिंदू और पाकिस्तान का वो जो जीरो लाइन पड़ती है ना, मैं आपको पाकिस्तान की धरती बिल्कुल नज़दीक से दिखाता हूँ। मैं कि पाकिस्तान पूरा कोलो नज़र आ जाऊँगा। ठीक है पुल कंजरी चलते गाइस नान खाने के बाद। तो गाइस सतनाम अमृतसरी कुलचा बेस्ट कुलचा लगा यार। जितने भी मैंने नान खाए हैं उससे बेस्ट कुलचा लगा यहाँ का। और जब भी आपको लगे कि बाघा बॉर्डर मैं टाइमिंग थोड़ी सी लेट हो गई है और अंदर जाने की अभी अनुमति नहीं दी जा रही, मतलब जाने को नहीं दिया जा रहा, लेट जाने को दिया जा रहा है, तो वह अटारी आ जाए। अटारी में पहले घूमने को है यहाँ समाध, अटारी स्टेशन, अटारी मार्केट। जब आपको भूख लगे तो यहाँ पे ज़रूर आना। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ज़रूर आना भाई। ये सेवा केंद्र के बिल्कुल साथ वाला है और इतना स्वाद इतना टेस्टी कुलचा यहाँ का और बहुत कमाल बा कमाल चीज़ बनाई भाई अंकल ने। थैंक यू धन्यवाद अंकल जी। तो भाई मज़ा आ गया कुलचा भाई सच्ची सही दसी कि मज़ा आया कहते ना कुलचा। मैं मैंने लगे मैं अमृतसर क्रॉस कर गया हूँ मैंने कुलचा खाने नहीं मिल सकता, लेकिन अटारी भी आके मुझे कुलचा मिल गया अमृतसर ही, तो मज़ा आ गया यार। तो अभी अब जाएंगे अटारी का ब्लॉग अंकल की शॉप पर ख़त्म करते हैं और आपको मिलते हैं पुल कंजरी जीरो लाइन अपना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो वहाँ पे चलता हूँ लेकर आपको और पाकिस्तान को हाथ लगाएंगे वहाँ पे। ठीक है बाय। तो गाइस पुल कंजरी पहुँच गए और हिंदी वालों को पता नहीं होगा कंजरी वर्ड के इसको बोलते हैं, पंजाबी वालों को पता है सिर्फ ये।